This is question number 1 of exercise 7.2. The question is, find the coordinates of the point which divides the join of -1, 7 and 4, -3 in the ratio 2:3. ठीक है, क्वेश्चन ये है कि आपका एक कोई पॉइंट्स है, ठीक है, जो इन टू पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को 2:3 में डिवाइड करना है. ऐसे समझिए, से आपके कोई टू पॉइंट्स है -1, 7 and 4, 3. सपोज कीजिए आपका एक पॉइंट ये ए है, एक पॉइंट का आपका ये पॉइंट बी है. इन टू पॉइंट्स को मैंने क्या किया, ज्वाइन किया, ठीक है, और इनको कहीं भी एक पॉइंट है कोई, सपोज कीजिए आपका पॉइंट पी है, ये पी पॉइंट 2:3 में डिवाइड कर रहा है. तो इतना पार्ट आपका क्या है 2, और इतना पार्ट आपका क्या होगा 3. तो ए से लेके पी तक है वो 2, और पी से बी तक आपका क्या होगा 3. 3 के मल्टीपल में होगा 2:3 है, ठीक है. तो ए और बी टू पॉइंट्स हैं, ठीक है, उनको ज्वाइन करने वाली लाइन को एक थर्ड पॉइंट पी 2:3 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है. अब मेरा, अब जो आपके पास सेक्शन फॉर्मूला है रेशो के लिए, हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो उसका यूज करेंगे. सेक्शन फॉर्मूला है आपके पास x, y = m1x2 + m2x1 / m1 + m2, m1/2 + m2y1 / m1 + m2. हमारे पास ये जो सेक्शन फॉर्मूला है ये उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए है. ये जो आपका एक्स कॉमा वाई है ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं जो गिवन पॉइंट को ज्वाइन करने पर कहीं भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है. तो ये जो आपका एक्स कॉमा वाई है, ये एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट है, ये इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है. तो पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स कॉमा वाई, ठीक है. एंड एम वन एम टू क्या है, जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है. तो ये एम वन और ये आपका हो गया एम टू. तो एम वन आपका 2 और एम टू की वैल्यू क्या हो गई 3, ठीक है. और ये पी पॉइंट क्या हो गया, एक्स कॉमा वाई. अब ए और बी क्या होंगे, जो दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं आपके एक्स वन वाई वन, ठीक है, एक्स वन वाई वन एंड एक्स टू वाई टू, ठीक है. जिन टू पॉइंट्स के बीच आपका एंड वर्ड लगा होता है, ठीक है, एंड वर्ड कहां कहां है, इन टू पॉइंट्स के बीच आपका एंड वर्ड है, ठीक है. मैंने आपको ट्रिक बताई थी प्रीवियस वीडियो में, ठीक है. तो जिन टू पॉइंट्स के बीच आपका एंड वर्ड होगा वही आपके एक्स वन वाई वन एंड एक्स टू वाई टू होंगे, ठीक है. तो इसे मैं एक्स वन वाई वन लिखूंगा, ठीक है. तो ये ए पॉइंट आपका क्या होगा, एक्स वन कॉमा वाई वन, ठीक है, और बी पॉइंट आपका क्या होगा, एक्स टू कॉमा वाई टू, ठीक है. तो टू पॉइंट्स आपके ए बी एक्स वन कॉमा वाई वन एक्स टू कॉमा वाई टू है, ठीक है. इनको एक पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई 2:3 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है. तो ये जो आपका फॉर्मूला, इसमें एक्स कॉमा वाई ये पी के कोऑर्डिनेट होंगे, एम वन एम टू ये रेशू है, एक्स वन वाई वन इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे एंड एक्स टू वाई टू इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है. अब एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू क्या है, जिन टू पॉइंट्स के बीच एंड वर्ड है, ठीक है. तो एंड वर्ड किस किसके बीच है, 1 - 1, 7, ठीक है. तो आपका ए पॉइंट हो जाएगा -1, 7 एंड आपका बी पॉइंट होगा 4, -3. मुझे पी पॉइंट फाइंड करना है, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं जो पॉइंट 2:3 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, ए और बी को ज्वाइन करने पर, ठीक है. तो मुझे एक्स कॉमा वाई फाइंड करना है, और ये जो हमारे पास फॉर्मूला है ये भी एक्स कॉमा वाई फाइंड करने के लिए, ठीक है. तो हमें कुछ भी नहीं करना है, जस्ट इस फॉर्मूले में जस्ट वैल्यू पुट करनी है, ठीक है. तो आपको डायरेक्टली फाइंड हो जाएगा, ठीक है. अब वैल्यू पुट करते हैं, एम वन की वैल्यू क्या है 2, एक्स टू की वैल्यू 4 प्लस एम टू की वैल्यू क्या है 3, एक्स वन की वैल्यू क्या है -1 / m1 + m2
मतलब 2 प्लस 3 कॉमा एम वन की वैल्यू 2 बाय 2 की वैल्यू क्या है माइनस 3 प्लस एम टू की वैल्यू 3 कॉमा वाई वन की वैल्यू 7 ठीक है अपॉन एम वन प्लस एम टू तो 2 प्लस 3 इसे मैंने ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट में बंद किया ठीक है 2 4 8 2 की जब माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगी तो आपके क्या आएगा 3 अपॉन 2 प्लस 3 5 2 की जब 3 से मल्टीप्लाई होगी माइनस तो माइनस 6 एंड 3 7 जा 21 अपॉन 2 प्लस 3 5 ठीक है ये आपका एक्स कॉमा वाई है ये आपका पी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो मैं इसके आगे लिख दिया पी ठीक है एक्स कॉमा वाई एट में से आपका 3 जाएगा 5 अपॉन 5 कॉमा माइनस 6 एंड प्लस 21 आपका क्या हुआ 15 अपॉन 5 5 वन जा 5 5 3 जा 15 यहां से आपका क्या बचा 1 और यहां से आपका क्या बचा 3 ठीक है तो P X कॉमा वाई ठीक है तो आपका जो रिक्वायर्ड पॉइंटर्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे X कॉमा वाई 1 कॉमा माइनस 3 ठीक है अगर आपको ये याद नहीं रहे आप इसे बनाना भूल जाओ तो आप क्या करोगे फॉर्मूला तो आपको याद है ही एम वन और एम टू की वैल्यू में तो आप कंफ्यूज हो गए नहीं वो तो आपका रेशियो होता है एक एम वन होती है दूसरी आपकी एम टू होती है ठीक है और जो फॉर्मूला है उसमें एक्स कॉमा वाई एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू क्या होता है जिन टू पॉइंट के बीच आपका एन वर्ड होगा वो दोनों आपके पॉइंट क्या होंगे एक्स वन वाई वन एंड एक्स टू वाई टू और जो अभी आपका थर्ड पॉइंट फाइंड करना होगा या गिवन होगा वो आपका क्या होगा एक्स कॉमा वाई ठीक है तो उसमें ओनली टू पॉइंट गिवन है ठीक है जिनके बीच एंड वर्ड है इसके अलावा कोई भी थर्ड पॉइंट गिवन नहीं है इट मींस जो आपके गिवन पॉइंट है वो क्या होंगे एक्स वन कॉमा वाई वन होंगे और ये आपका रेशियो गिवन है तो ऑब्वियसली इस फॉर्मूले में हमें यही चीज अननोन है हमें यही फाइंड करना है ठीक है तो आपका रिक्वायर्ड पॉइंट क्या है जो गिवन पॉइंट को डिवाइड करेगा एफ पी एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 1.3 दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1 एंड -2, -3 ठीक है क्वेश्चन है कि आपके टू गिवन पॉइंट्स है 4, -1 एंड -2, -3 इनको ज्वाइन करने पर जो आपका लाइन सेगमेंट बनेगा ठीक है उसको ट्राई सेट करते हुए टू पॉइंट्स है उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करने ठीक है ऐसा है कुछ क्वेश्चन ये आपके टू पॉइंट्स है कोई ए एंड बी ए एंड बी तो आपका एक पॉइंट इसमें ए है और एक पॉइंट बी है ठीक है तो इन पॉइंट्स के मैंने ज्वाइन किया या आपका लाइन सेगमेंट बना ठीक है इस लाइन सेगमेंट को मैंने ट्राइसेक्ट किया ट्राइसेक्ट का मतलब है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जैसे आपका बाइसेक्ट होता है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ऐसे ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया ठीक है तो ये 3 इक्वल पार्ट्स में मैंने इसे डिवाइड कर दिया सपोज कीजिए ये आपका पॉइंट पी है और ये आपका पॉइंट क्यू है अगर आपकी टोटल लाइन 3 सेंटीमीटर की है तो 1 सेंटीमीटर ये होगा 1 सेंटीमीटर ये होगा 1 सेंटीमीटर ये होगा टोटल लाइन 6 सेंटीमीटर की है तो 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर है तो 3 3 3 बट इन सबका रेशो 1 1 1 1 1 रेशो 1 रेशो 1 आएगा अगर 2 2 2 हो आपका ये तब भी जब मैं 2 से 2 को डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा 3 3 हो तब भी क्या आएगा 1 आएगा ठीक है तो हर एक केस में आपका जो रेशो है वो 1 ही आएगा ठीक है तो एपी बीक्यू और क्यूबी का रेशो क्या है एपी रेशु पी क्यू रेशु क्यू बी का रेशु क्या है 1:1:1 ठीक है इन तीनों का रेशु हमेशा 1:1 ही होगा अब ट्राइसेक्ट जो पॉइंट कर रहा है वो है पी एंड क्यू ठीक है पी एंड क्यू पॉइंट्स आपके क्या कर रहे हैं ट्राइसेक्ट कर रहे हैं तो इन टू पॉइंट्स के मुझे कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं अब एक साथ में दोनों के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर नहीं सकता तो मैं क्या करूंगा पहले P के लिए फाइंड करूंगा देन Q के लिए ठीक है तो पहले P के लिए देखिए Q को आप इग्नोर कीजिए ठीक है अब P के लिए क्या होगा
एपी, अब आपके थ्री पॉइंट्स हैं ए पी एंड बी, ठीक है, और टू पार्ट्स हैं ओनली एपी एंड बीपी। तो पहले एपी और बीपी टू पार्ट्स हैं और टू रेशियोज में ही डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो एपी क्या होगा, यहां से यहां तक वन होगा, एंड बीपी वन यहां से यहां तक था और वन ये हो गया, तो टोटली क्या हो गया, वन प्लस वन टू, ठीक है। तो एपी रेशो बीपी आपका क्या हो गया, वन रेशो टू, एम वन रेशो एम टू, ठीक है। तो ये हो गई एम वन की वैल्यू और ये क्या हो गई एम टू की वैल्यू, ठीक है। तो अब M1 की वैल्यू हो गई आपकी 1 और M2 की वैल्यू होगी 2। हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला है x, y इक्वल M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2, M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में मैंने आपको बताया था जो भी जिन टू पॉइंट्स के बीच एंड वर्ड होता है वो आपके x1 y1 होते हैं एंड x2 y2 होते हैं, रेशो तो आपका m1 m2 के फॉर्म में होता है, बाकी जो भी पॉइंट बचा वो क्या होगा x कॉमा y होगा, ठीक है। तो अब इसमें एंड पॉइंट किन के बीच है, 4,1 एंड -2,3 के बीच है, ये मैंने क्या लिए थे, ए और बी लिए थे, ठीक है। तो ए क्या हो जाएगा, फोर कॉमा माइनस वन एक्स वन कॉमा वाई वन, ठीक है। एंड बी क्या होगा, माइनस टू कॉमा माइनस थ्री एक्स टू कॉमा वाई टू, ठीक है। तो ये हो गया एक्स वन वाई वन, ये एक्स टू वाई टू और एम वन एम टू। अब क्या बचा, पी तो बचा, तो आपका पी क्या होगा, ये होगा एक्स कॉमा वाई, और यही मुझे क्या करना है, फाइंड करना है एक्स कॉमा वाई, ठीक है। क्योंकि मुझे x1 y1 नोन है, x2 y2 भी नोन है, m1 m2 भी नोन है, बस आपका ये अननोन है x, y, तो मुझे x, y ही फाइंड करना है, ठीक है। मैं वैल्यू पुट करूंगा, अब ये p पॉइंट के लिए है तो मैंने यहां पे लिख दिया p, ठीक है। तो फॉर p पॉइंट्स x, y इक्वल वैल्यू पुट करूंगा, m1 की वैल्यू क्या है, 1, m x2 की वैल्यू क्या है, माइनस टू, प्लस M2 की वैल्यू क्या है, 2, एंड X1 की वैल्यू 4 अपॉन M1 प्लस M2, 1 प्लस 2 कॉमा M1 की वैल्यू 1 बाय 2 की वैल्यू माइनस 3 प्लस M2 की वैल्यू 2 Y1 की वैल्यू माइनस 1, M1 प्लस M2 2 1 प्लस 2, ठीक है। 1 एंड माइनस 2 की मल्टीप्लाई होगी आपका माइनस 2 आएगा, प्लस 4 टू 8 होगा अपॉन 1 प्लस 2 3 कॉमा माइनस 3 होगा, ये 2 और ये माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 2 8 6 अपॉन 3 कॉमा माइनस 5 अपॉन 3 3 टू 6 ये आपका क्या हो गया 2 अपॉन 3 कॉमा माइनस 5 अपॉन, ये आपका गया P पॉइंट। तो एक पॉइंट था आपको फाइंड हो गया P, ठीक है ना। अनदर पॉइंट Q के लिए मैं क्या करूंगा, सेम इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दूंगा। अब Q पॉइंट के लिए क्या होगा, आपके थ्री पॉइंट है A B एंड Q, अब आपका P पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो अब आपके पास ए क्यू है एंड बी क्यू है, तो ए क्यू क्या होगा, 1 प्लस 1 2 हो गया एंड क्यू भी 1 हो गया। तो अब ए क्यू एंड बी क्यू का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 2 रेशियो 1 होगा, इट मीन्स एम वन और एम टू, एम वन की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और एम टू की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक है। मैं डायरेक्ट उसमें वैल्यू पुट कर रहा हूं फॉर्मूले में, तो अब क्यू के लिए हुई है तो मैं लिखा क्यू एक्स कॉमा वाई इक्वल होगा, ये आपका एक्स कॉमा वाई आएगा यहां से डायरेक्ट क्यू पॉइंट, ठीक है। एम वन एक्स टू, अब वैल्यू चेंज हो गई है, बाकी एक्स वन
वाई वन एफ टू वाई टू की वैल्यू सेम है, वो पूरे क्वेश्चन में नहीं रहेंगी एंड वाली, ठीक है। एम वन, अब एम वन की वैल्यू टू है एंड एक्स वन की वैल्यू सेम है माइनस, सॉरी एक्स टू की वैल्यू सेम है माइनस टू, प्लस वन मल्टीप्लाई फोर अपॉन टू प्लस वन, ठीक है, कॉमा टू मल्टीप्लाई माइनस थ्री प्लस वन मल्टीप्लाई माइनस वन अपॉन टू प्लस वन। मैंने कुछ भी नहीं किया, बस ये दोनों वैल्यू इंटरचेंज कर दी एम वन और, बाकी ये वैल्यू सेम ही रही, ठीक है। टू टू जब फोर माइनस एंड प्लस फोर अपॉन थ्री, कॉमा माइनस सिक्स एंड माइनस वन अपॉन थ्री, ठीक है, माइनस सिक्स माइनस वन, फोर माइनस फोर प्लस फोर जीरो, जीरो अपॉन थ्री कॉमा माइनस सेवन अपॉन थ्री, तो आपका जीरो अपॉन थ्री क्या हो गया जीरो और ये क्या हो गया माइनस सेवन अपॉन थ्री, ठीक है। तो आपका जो पी क्यू पॉइंट आ गया वो क्या आ गया जीरो कॉमा माइनस सेवन, ठीक है। तो ये हमें टू पॉइंट फाइंड हो गए, फर्स्ट है आपका पी टू अपॉन थ्री, सॉरी टू कॉमा माइनस फाइव अपॉन थ्री, ये वाला पॉइंट आ गया, एंड सेकेंड क्यू जीरो कॉमा माइनस सेवन अपॉन थ्री, ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। तो ये टू पॉइंट पी एंड क्यू इस लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। यही पॉइंट हमें फाइंड करने थे, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है, ठीक है। अब मैं सिस्टमेटिक वे में लिख रहा हूं, सो पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन आर, फर्स्ट पॉइंट आपने क्या था पी, तो टू कॉमा माइनस फाइव अपॉन थ्री एंड जीरो कॉमा माइनस सेवन अपॉन थ्री, ये आपका क्या हुआ आंसर हुआ, ठीक। दिस इज क्वेश्चन नंबर फोर एक्सरसाइज 7.2। क्वेश्चन इज फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट माइनस थ्री कॉमा टेन एंड सिक्स कॉमा माइनस एट इज डिवाइडेड बाई माइनस वन कॉमा सिक्स, ठीक है। जो क्वेश्चन है वो ये है कि टू पॉइंट्स हैं, उनको ज्वाइन करने पर एक लाइन सेगमेंट बनना है, ठीक है। ये आपके टू पॉइंट्स हैं माइनस थ्री कॉमा टेन एंड सिक्स कॉमा माइनस एट, इनको आपने ज्वाइन किया तो एक आपका लाइन सेगमेंट बनेगा, ठीक है। जैसे आपके ये पॉइंट्स हैं माइनस थ्री कॉमा टेन एंड सिक्स कॉमा माइनस एट, इन टू पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन किया, ठीक है। तो आपके लाइन सेगमेंट बना, इसे मैंने ए बी नाम दे दिया, ठीक है। अब इस लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइडेड बाई माइनस वन बाई सिक्स, ये माइनस वन बाई सिक्स जो आपके पॉइंट है कोऑर्डिनेट है, ये इसे डिवाइड कर रहे हैं, ये आपको कहीं भी हो सकता है। इस पर सपोज कीजिए आपका यहां पे है, ठीक है, माइनस वन कॉमा सिक्स। अब आपको या सपोज कीजिए आपका पी है, ठीक है। अब आपको पता करना है कि पी पॉइंट इस ए बी लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। रेशो मींस इस एपी और पीवी की क्या वैल्यू है, इस एपी रेशो पीवी क्या होगा, एपी रेशो पीवी फाइंड करना, इट मींस एपी अपॉन पीवी फाइंड करना। अगर एपी को मैं एम वन से रिप्रेजेंट करूं यहां से यहां तक एम वन, ठीक है, और ये आपका जो पीवी है इसे मैं एम टू से रिप्रेजेंट करूं, तो इट मीन्स मुझे एम वन रेशो एम टू इक्वल एम वन अपॉन एम टू फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन द्वारा समझिए, टू पॉइंट है आपके ए बी माइनस वन कॉमा माइनस थ्री कॉमा टेन एंड सिक्स कॉमा माइनस एट, इन टू पॉइंट्स को ज्वाइन किया आपके लाइन सेगमेंट ए बी बना। इस लाइन सेगमेंट को एक कोई पॉइंट पी माइनस वन कॉमा सिक्स डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ये टू सेक्शंस में डिवाइड कर दिया, आपका एक पार्ट हुआ एपी और सेकंड पार्ट हुआ आपका बीपी। तो इन टू पार्ट्स के बीच क्या रेशियो है वो रेशियो फाइंड करना। सपोज कीजिए टोटल एट है और आपका ये टू हो गया ये सिक्स हो गया, तो रेशियो क्या आ गया थ्री रेशियो वन। तो ऐसी क्या रेशियो है इनके बीच वो फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने इसे ए सपोज किया
इस पॉइंट को मैंने बी सपोज किया और इसे पी सपोज किया, ठीक है। अब सेक्शन फार्मूला हमारे पास है, जिसमें रेशियो फाइंड करना है तो ऑब्वियसली हमें सेक्शन फार्मूला ही अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो सेक्शन फार्मूला हमारे पास है एक्स कॉमा वाई इक्वल एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू, ठीक है, कॉमा एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन अपॉन एम वन प्लस एम टू। मैंने आपको बताया था इस सेक्शन फॉर्मूले में जो एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू है वो क्या होते हैं, जबकि क्वेश्चन में पॉइंट्स गिवन है एंड कंजंक्शन, जिनके बीच में एंड वर्ड लगा हुआ है, ये दोनों पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच एंड वर्ड है ना, तो इसमें आपका एक एक्स वन वाई वन होगा और सेकंड आपका क्या होगा एक्स टू वाई टू होगा, ठीक है। तो एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू तो हमें पता चली जाएंगे। सेकंड चीज एम वन एम टू, ये तो मुझे फाइंड ही करना है, रेशियो फाइंड करना है। थर्ड चीज आपकी क्या, ये है एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो ये पॉइंट पी है, ठीक है, तो पी पॉइंट क्या होगा एक्स कॉमा वाई होगा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, इसे मैं एक्स वन वाई वन सपोज कर रहा हूं फर्स्ट वाले को, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा एक्स वन कॉमा वाई वन, बी पॉइंट हो जाएगा आपका एक्स टू कॉमा वाई टू, और ई पॉइंट आपका जो बचा थर्ड पी, ये आपका हो जाएगा एक्स कॉमा वाई। अब जो फॉर्मूला हमारे पास है वो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए, ये वाला पॉइंट फाइंड करने के लिए, ठीक है। अब मैं वैल्यू पुट करूंगा, एक्स कॉमा वाई की वैल्यू मुझे पता है, एक्स वन वाई वन की भी वैल्यू मुझे पता है, एक्स टू वाई टू की भी वैल्यू मुझे पता है, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं, एक्स कॉमा वाई, एक्स की वैल्यू है आपकी माइनस वन, ठीक है, वाई की वैल्यू है सिक्स, वन कॉमा सिक्स इक्वल एम वन वाई टू, एम वन तो मुझे फाइंड नहीं करना है तो एम वन की जगह एम वन वाई टू, वाई टू की सॉरी एक्स टू, एक्स टू की वैल्यू है सिक्स प्लस एम टू एक्स वन, एम टू, एम टू तो मुझे फाइंड नहीं करना है, एम वन रेशियो एम टू, एक्स वन, एक्स वन की वैल्यू है माइनस थ्री, ठीक है, अपॉन एम वन प्लस एम टू कॉमा अगेन एम वन की वैल्यू एम वन बाय टू की वैल्यू माइनस एट प्लस एम टू बाय वन की वैल्यू टेन। अब इसे मल्टीप्लाई करके थोड़ा सॉल्व करेंगे, ठीक है। जब एम वन की सिक्स से मल्टीप्लाई होगी तो आपका आएगा सिक्स एम वन, और जब एम टू के माइनस थ्री से मल्टीप्लाई होगी तो प्लस माइनस माइनस थ्री एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू इक्वल एम वन या माइनस एट से मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा माइनस एट एम वन प्लस टेन की एम टू से मल्टीप्लाई होगी तो टेन एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू सॉरी कॉमा, इधर आपका है माइनस वन कॉमा सिक्स। अब इसका मतलब है ये वाले जो कोऑर्डिनेट हैं पी के कोऑर्डिनेट हैं, और ये वाले भी जो कोऑर्डिनेट मुझे फाइंड होते हैं ये भी पी के कोऑर्डिनेट होते हैं। इट मीन्स ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट इक्वल होंगे, इसीलिए बीच में इक्वल का साइन लगा हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू कैसी होंगी, दोनों कोऑर्डिनेट इक्वल होंगे। इट मीन्स इसके एक्स की वैल्यू इसके एक्स से इक्वल होगी और इसकी वाई की वैल्यू इसके वाई की इक्वल होगी, ठीक है। ये दोनों आपके इक्वल है, इट मीन्स ये पूरी वैल्यू इस पूरी वैल्यू के इक्वल होगी, ठीक है। तो आपका ये एक्स सा मतलब इसका एक्स इसके एक्स के इक्वल होगा और इसका वाई इसके वाई के इक्वल होगा। अब मुझे एम वन रेशियो एम टू फाइंड करना, अब आप किसी एक को भी सपोज दैट इसका एक्स इसके एक्स के इक्वल होगा और इसका ये वाई वाला पार्ट इसके वाई वाले पार्ट के इक्वल होगा। समझ में आ रहा, ये एक्स वाला पार्ट इसके एक्स वाले के इक्वल, ये वाई वाला पार्ट इसके वाई वाले के इक्वल। अब आप किसी एक को ले सकते हैं, चाहे आप एक्स एक्स वाले के लो चाहे आप वाई वाई वालों को, जो आपको इजी लगे, जिससे आपको कैलकुलेशन इजी लगे। मैं क्या करूंगा, ये इसमें मुझे माइनस अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, तो इसे मैं छोड़ दूंगा, मैं इसे लूंगा वाई वाले। अब इसका मैं वाई का पार्ट क्या है सिक्स है और इसमें वाई वाला पोर्शन क्या ये है, तो इसमें से तो मैं ये वाला लूंगा, इसमें से तो मैं ये वाला लूंगा और इसमें से ये वाला लूंगा, ठीक है। तो इसका वाई और इसका वाई आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। एक्स वाला मैं नहीं ले रहा हूं, ठीक है, तो
तो एक्स वाई वाले पोर्शन आप इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो ई वाला मैं पहले लिख ले रहा हूं, माइनस एट एम वन प्लस टेन एम टू आपका इक्वल सॉरी अपॉन एम वन प्लस एम टू इक्वल होगा सिक्स के, ठीक है। दोनों के जो बाई वाले पोर्शन है वो इक्वल होंगे, ठीक है। तो इसका बाई और इसका बाई दोनों इक्वल होंगे। आप एक्स वाला भी ले सकते थे, ठीक है, वो माइनस था इसलिए मैंने नहीं लिया, ग्रेटर लगता है माइनस से, ठीक है। तो अब इसके नीचे आपका वन होगा, डिवाइड में कुछ भी नहीं, अक्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इस वन की इस माइनस एट एम वन से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस एट एम वन ही आएगा, प्लस जब टेन एम टू की वन से मल्टीप्लाई होगी तो टेन एम टू ही आएगा, इक्वल जब आपकी सिक्स की एम वन से मल्टीप्लाई होगी तो आपका आएगा सिक्स एम वन, और जब सिक्स की एम टू से मल्टीप्लाई होगी तो आपका आएगा सिक्स एम टू। आप एक काम और कर सकते थे, कॉमन लेके डिवाइड भी कर सकते थे, ठीक है। यहां से आप अगर टू कॉमन लेते तब भी आप डिवाइड करके एक बार कर सकते थे, ठीक है, बट मैंने नहीं किया। नाउ जो एम वन वाला जिसमें आपका एम वन है वो आप एक तरफ लेंगे और एम टू वाला एक तरफ लेंगे, ठीक है। तो इसमें एम वन है तो ये मैंने पहले इधर ही रहने दिया, इस वाला ये एम वन में इधर लेके आया तो ये प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। ये एम टू इधर ऑलरेडी पहले से ही था तो ये प्लस का ही, ये जब एम टू इधर पहुंचेगा तो आपका माइनस का टेन एम टू हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस एट एम वन एंड माइनस सिक्स एम वन आपका हो जाएगा फोर्टीन एम वन माइनस का इक्वल होगा सिक्स एम टू एंड माइनस टेन एम टू, तो आपके क्या बचा माइनस का फोर एम टू, ठीक है। माइनस फोर्टीन एम वन इक्वल हो गया माइनस के फोर एम टू, माइनस से माइनस कट कर दिया। अब मुझे फाइंड क्या करना है, एम वन अपन एम टू, ठीक है। तो एम वन तो ये मुझे मिल गया, ये एम टू मुझे और इसके नीचे लेके आना है, ठीक है। तो एम वन ये ऑलरेडी यहां पे है और ये एम टू इधर में डिवाइड में लेके आ गया। अब मुझे तो बस एम वन एम टू फाइंड करना, तो इस फोर्टीन को मैं भी यहां से भगाऊंगा, ठीक है। तो ये 14 ये 4 यहाँ पे था और ये यहीं पे रहा, इसकी वैल्यू चेंज, इसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, और ये आपका 14 इसके मल्टीप्लाई में था, ये पहुंच गया यहाँ डिवाइड में। समझ में आया मैंने क्या किया, मुझे m1 वन अपॉन एम टू फाइंड करना है, इसलिए मैंने m1 को तो यहीं रहने दिया और ये आपका जो m2 इस साइड पे मल्टीप्लाई में था ये मैं इस साइड पे लेके आ गया डिवाइड में। अब m1 रहना चाहिए यहाँ पे, तो ये 14 भी मैंने यहां से भगा दिया और ये 14 इस 4 के नीचे आ गया डिवाइड में, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई में था, ठीक है ना। टू टू जा फोर एंड टू सेवन जा फोर्टी, तो आपका एम वन अपॉन एम टू आ गया टू अपॉन सेवन। ये डिवाइड का मीन्स आपका रेशियो होता है, उसमें रेशियो की फॉर्म में लिख लूंगा, एम वन रेशियो एम टू इक्वल होगा टू रेशियो सेवन। तो ये रेशियो फाइंड करवा रहा था कि जो पॉइंट है -6, -1, -6 इन टू पॉइंट्स को जो ज्वाइन करने पर जो आपका लाइन सेगमेंट बना उसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इट मींस एम वन रेशियो एम टू टू रेशियो सेवन में डिवाइड कर रहा है। सपोज कीजिए अगर ये वाला पार्ट टू है तो ये वाला पार्ट क्या होगा, सेवन होगा, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 7.2। क्वेश्चन इज फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए 1, -5 एंड बी -4, -5 इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। क्वेश्चन के टू पार्ट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट ये है कि आपके टू पॉइंट्स हैं ए एंड बी, 1, -5 एंड बी -4, -5, ठीक है। इन टू पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर इनको एक्स एक्सिस कट कर रहा है, ठीक है। कौन सा एक्सिस कट कर रहा है, एक्स एक्सिस इनको कट कर रहा है। तो आपको ये फाइंड करना है कि एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। सेकंड है कि आपको वो कोऑर्डिनेट भी फाइंड करने हैं उस पॉइंट के, जो पॉइंट जो है पॉइंट ऑफ डिवीजन है, जो पॉइंट रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, लाइन सेगमेंट को। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो गिवन पॉइंट है आपके ए एंड बी, ये मैंने टू पॉइंट मार्क किए, आपका ए पॉइंट गिवन है -1, -5 एंड पॉइंट बी है -4, -5, ठीक है।
टू पॉइंट्स आर गिवन, वन कॉमा माइनस फाइव एंड माइनस बी इज माइनस फोर कॉमा फाइव. अब इन टू पॉइंट्स को एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा हूं, कहीं भी हो सकता है, ऐसे कर सकता है, ऐसे ऐसे यहां भी डिवाइड कर सकता है, यहां भी, ठीक है, वो कहीं भी डिवाइड कर रहा है मुझे नहीं पता. ठीक है, सपोज कीजिए मैं आपको यहां पे डिवाइड कर रहा है, ये पॉइंट पी है. ठीक है, अब पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या लेते थे, एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में लेते थे. ठीक है, तो एक्स कॉमा वाई मैंने सपोज कर लिया. ठीक है, अब एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है. अब देखिए एक्स एक्सिस के केस में क्या होता है, ये आपका एक्स एक्सिस है, तो सपोज कीजिए आपका जो लाइन सेगमेंट है वो इस टाइप का है. ठीक है, या वो इस तरह से है या वो ऐसे है. ठीक है, कुछ भी पोजीशन हो सकती है उसकी, कैसे भी वो लाई कर सकता है. और ये आपका पॉइंट यहां पे है, हो सकता है आपका पॉइंट यहां पे हो और ऐसे ये ए भी हो. ठीक है, तो ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पे कहीं भी, इसके कोऑर्डिनेट होंगे क्या, इस पे हम देखिए एक्स एक्सिस पे हमने ओनली एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल किया है, वाई डायरेक्शन में कुछ भी ट्रेवल नहीं किया. वाई डायरेक्शन में आपको क्या ट्रेवल किया, जीरो. ठीक है, तो इट मीन्स जो आपके पॉइंट कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई होते हैं उसमें वाई डायरेक्शन में मैंने कुछ भी ट्रेवल नहीं किया, तो आपका जो वाई वाला पार्ट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा. ठीक है, और जो भी मैंने ट्रेवलिंग की है वो एक्स डायरेक्शन में की है, और मैंने ट्रेवलिंग कितनी की ये भी मुझे नहीं पता. ठीक है, तो वो मैंने क्या किया, एक्स ही मान लिया कि मैंने एक्स ही ट्रेवल किया है. ठीक है, तो आपकी जो पी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट होंगे एक्स एक्सिस के केस में एक्स कोमा जीरो, क्योंकि हम एक्स एक्सिस पे ओनली एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, वाई डायरेक्शन कोई भी ट्रेवलिंग कर रहे हैं, तो आपका जो वाई वाला पोर्शन होगा वो क्या होगा, जीरो होगा. ठीक है, तो एक्स वन में ये जो आपका पार्ट पॉइंट है पी, वो एक्स कोमा वाई जूम नहीं करते, वो क्या होगा, एक्स कोमा जीरो होगा. ठीक है, अगर आपका ये वाई ऑफ वाई एक्सिस कट करते तो वाई एक्सिस के केस में क्या होगा, वाई एक्सिस के केस में सपोज कीजिए आपका इस तरह से. ठीक है, तो वाई एक्सिस के केस में क्या होता, हम ओनली वाई डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, वाई एक्सिस पे ट्रेवल कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे हमने कोई भी ट्रेवल नहीं किया. ठीक है, तो जो आपके कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स कॉमा वाई होते हैं, तो इसमें एक्स वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, जीरो. ओनली हमने वाई पे ट्रेवल किया तो वाई तो कुछ ना कुछ होगा, हमने वो वाई ही मान लिया कि आपका वो वाई है. ठीक है, तो उस केस में क्या होंगे कोऑर्डिनेट, जीरो कॉमा वाई. ठीक है, तो अगर आपका एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस कट कर रहा है, तो आपके जो पी पॉइंट है, जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स कोमा जीरो. और आपका अगर वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस के केस में जो पॉइंट लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट हम क्या ज्यूम करेंगे, जीरो कॉमा वाई. ठीक है, एक्स के केस में वाई गायब और वाई के केस में एक्स गायब, बस ऐसे आप याद रख सकते हैं. ठीक है, तो आपके ये वाला केस है, ये आपका पी है. ठीक है, तो मुझे फाइंड क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है. इट मीन्स ए पी आपका ये अलग सेक्शन है और एक सेक्शन आपका हुआ पी वी, इन टू के बीच क्या रेशियो है. इट मीन्स मुझे ए पी रेशियो बी पी फाइंड करना है. इट मीन्स ए पी अपॉन बी पी फाइंड करना है. सपोज किया मैंने ए पी को मैंने एम वन अज्यूम किया. ठीक है, जो आपका पी वी है इसे मैंने एम टू अज्यूम किया. ठीक है, तो ए पी मैंने एम वन अज्यूम किया, तो एम वन रेशो पी वी की जगह आपका एम टू होगा, तो एम वन अपॉन एम टू मुझे फाइंड करना है. ठीक है, तो मुझे फाइंड क्या करना है, एम वन अपॉन एम टू मुझे फाइंड करना है पहले, उसके बाद कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, वो देखते हैं क्या होगा. ठीक है, तो पहले रेशो फाइंड करने के लिए हमारे पास सेक्शन फार्मूला है. जब रेशो की बात होगी तो हमें सेक्शन फार्मूला अप्लाई करना ही होगा, विदाउट सेक्शन फार्मूले के कोई भी रेशो वाला क्वेश्चन नहीं होगा. ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला हमारे पास है एक्स कॉमा वाई इक्वल एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू. ठीक है, एंड एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन अपॉन एम वन प्लस एम टू. ठीक है, नाउ जिन टू पॉइंट्स के बीच एंड वर्ड है, एंड वर्ड किस किसके बीच है, एक तो ये ए और ये बी.
इन टू पॉइंट्स के बीच क्या है, एंड वर्ड से कनेक्टेड है ये टू पॉइंट्स। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जिन टू पॉइंट्स के बीच एंड वर्ड होगा वो दोनों पॉइंट्स आपके x1 y1 और x2 y2 होंगे। आप x1 y1 x2 y2 किसी को भी ले सकते हैं, बट वही दोनों आपके x1 y1 और x2 y2 होंगे। ठीक है, तो इस केस में a को मैं x1 y1 ले रहा हूं और b को x2 y2। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा x1 y1 और b आपका हो जाएगा x2 y2। अब इन टू पॉइंट्स के अलावा इसमें रेशियो है जो तो मुझे फाइंडिंग करना है m1 m2। थर्ड आपका है p पॉइंट। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में आपका x1 y1 हो गया, m1 m2 तो मुझे फाइंडिंग करना है, थर्ड आपकी चीज क्या बची है, तो ये क्या है, ये p पॉइंट है। ठीक है, तो इस केस में p क्या है, x कॉमा वाई। समझना आ गया, ये p पॉइंट है, m1 m2 तो ये आपका है ही, और x1 y1 और x2 y2 ये है। ठीक है, ना हम वैल्यू पुट करेंगे एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई आपका यह पी, तो एक्स कोमा जीरो, एक्स की जगह तो एक्स ही है। ठीक है, एक्स एक्सिस के लिए वाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी, इक्वल होगा एम वन, ये तो मुझे फाइंड नहीं करना, तो एम वन, एक्स टू की वैल्यू देखिए माइनस फोर प्लस एम टू, तो मुझे फाइंड नहीं करना है, एक्स वन की वैल्यू वन अपॉन एम वन प्लस एम टू कॉमा एम वन बाय टू की वैल्यू फाइव प्लस एम टू की वैल्यू फाइंड करनी है, बाय वन की वैल्यू वन अपॉन एम वन प्लस एम टू। तो थोड़ा आगे सॉल्व करेंगे अभी, तो ये आपको हो जाएगा जब एम माइनस फोर की प्लस एम वन से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, माइनस फोर एम वन, और m2 की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो आपका आएगा m2 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा 5 की m1 से मल्टीप्लाई होगी 5m1 और m2 की 1 से मल्टीप्लाई होगी m2 सॉरी 5m1 की वैल्यू y2 की वैल्यू 5 सॉरी वाई वन की वैल्यू जो है आपकी माइनस फाइव है। ठीक है, तो ये आपको जाएगा माइनस फाइव एम टू ऑन एम वन प्लस एम टू। ठीक है, नाउ ये आपका एक्स कॉमा जीरो है, अब ये भी आपके एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट है। ठीक है, और ये भी आपके क्या होंगे, एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट होंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो आपका आया ये पी पॉइंट फाइंड करने के लिए, ठीक है, तो ये भी पी पॉइंट है आपका, और ये जो फाइंड होगा लास्ट में वो भी आपका क्या होगा, पी पॉइंट ही होगा, तो दोनों इक्वल होंगे, इसलिए बीच में इक्वल का साइन है। ठीक है, इट मीन्स इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। अगर आपका ये फोर कॉमा फाइव आएगा या फोर कॉमा जीरो आएगा तो ये भी सॉल्व करने पर क्या आएगा, फोर कॉमा जीरो या फोर कॉमा फाइव ही आएगा। ठीक है, तो इट मीन्स ये x वाला पार्ट इस x वाले के इक्वल होगा और ये y वाला इस y वाले के इक्वल होगा। ठीक है, अब इस केस में देखिए आप, इस केस में आपका ये वाला x वाला इस x वाले के इक्वल, इसमें x कॉमा वाई है, तो ये वाला आपका x वाला पार्ट हुआ, ये y वाला पार्ट हुआ। ठीक है, तो ये x इस x वाले के इक्वल होगा और ये y वाला पार्ट इस y वाले के इक्वल होगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, जिस जो मेरी मर्जी थी उसको मैंने लिया था, मैंने बाई वाले को बाई वाले के इक्वल रखा था। इस केस में देखिए आप, अगर मैं इस एक्स वाले को इस एक्स वाले पोर्शन के इक्वल रखूंगा तो आपका ये सिचुएशन आएगी, एक्स आपका ये वाला है। अब मुझे एम वन रेशियो एम टू फाइंड करना है, तो एक तो आपका इसमें अननोन ये चीज हो गई और एक इसमें आपका अननोन एक्स हो गया, और इक्वेशन हमारे पास एक ही है और अननोन कितने हो गए, दो दो हो गए, तो हम इससे सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम इस केस में एक्स वाले को इक्वल नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि दो दो अननोन हो जाएंगे और टू अननोन्स को हम एक ही इक्वेशन में फाइंड नहीं कर सकते, या तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तब फाइंड कर सकते हैं और ये आपकी लीनियर इक्वेशन है, तो इस केस में हम टू अननोन्स को एक साथ फाइंड नहीं कर सकते एक ही इक्वेशन में। ठीक है, तो एक्स वाला तो हम ले नहीं सकते इक्वल, अब आपके कौन सा बचा, बाई वाला बचा, तो इस जीरो को मैं इसके इक्वल रखूंगा। ठीक है, बाई वाले पोर्शन को इसके बाई वाले पोर्शन के इक्वल रखेंगे। ठीक है, सो
ये वाला मैं पहले लिख देता हूं, जीरो में बाद में लिखूंगा, ठीक है। तो मैं इसे स्किप कर दूंगा, 5m1 - 5m2 / m1 + m2 आपका इक्वल होगा जीरो के, ठीक है। इसके मैंने इक्वल क्यों नहीं रखा, एक्स वाले को एक्स वाले के, क्योंकि 2 2 अननोन, 2 2 अननोन हो जाते, इसलिए नहीं किया मैंने। अगर आपका ये 0, y वाला केस होता तो मैं y वाले को इक्वल नहीं रखता, क्योंकि फिर आपके y वाले में 2 2 अननोन हो जाते, 2 2 अननोन हो जाते, तो मैं x वाले को 0 के इक्वल रखता, ठीक है। इसमें मेरा x वाला, ठीक है, तो इसमें मैंने y वाले को 0 रखा। अब इसे मैं सॉल्व करूंगा, इसके नीचे 1 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का m1 m2 की 0 से मल्टीप्लाई होगी तो पूरा 0 हो जाएगा, और जब 1 की इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा, जब 1 की m1 से मल्टीप्लाई होगी 5m1, और जब 1 की -5m2 से मल्टीप्लाई होगी तो 5m2, ये आपका 0 की मल्टीप्लाई होगी 0 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे m1 m2 फाइंड करना है, तो m1 एक साइड पे ले जाऊंगा और m2 को दूसरी साइड पे, ठीक है। तो m1 को मैंने यही रहने दिया, m1 वाले को, और m2 को मैंने इधर पहुंचा दिया, आपको जाएगा 0 + 5m2, तो ये दूसरी साइड पे जाएगा, 0 के प्लस में हो जाएगा क्योंकि यहां माइनस में है, तो 0 लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो ये मैंने खत्म कर दिया। अब मुझे m1 / m2 फाइंड करना है, ठीक है, तो इस m2 को मुझे m1 के डिवाइड में लेके आना पड़ेगा, ठीक है। सो ये आपका हो जाएगा m1 / ये मल्टीप्लाई में इधर आ गया डिवाइड में, ये आपका 5 यहीं पे था, 5 को मैं कहीं भी नहीं लेके गया, अब यहां ओनली m1 रहना चाहिए, तो ये 5 भी मुझे यहां से भगाना पड़ेगा, तो ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में पहुंच जाएगा, ये कट हो गया आपका, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, तो m1 / m2 आपका आ गया 1/1, इट मीन्स m1 / m2 आपका जाएगा 1/1, ठीक है। तो आपका m1 / m2 फाइंड हो गया 1/1। अब इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में मुझे ये जो आपका पॉइंट, जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है, जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है ए बी लाइन सेगमेंट, इस पॉइंट के मुझे कोऑर्डिनेट भी फाइंड करने हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, x, 0 है, तो 0 तो आपका कांस्टेंट टर्म है, तो वो तो मुझे फाइंड करना नहीं है, तो मुझे x फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। अब मुझे m1 / m2 फाइंड हो चुका है, तो m1 / m2 आपका 1/1 है, m1 की वैल्यू 1, m2 की वैल्यू 1। अब इधर देखिए, यहां तक मैं पहले सॉल्व कर चुका हूं, ठीक है, फर्स्ट पार्ट निकालने के लिए। इसमें फर्स्ट केस में आपका क्या था, मैंने 0 को, मतलब y वाले पार्ट को मैंने y वाले पार्ट के इक्वल रखा था, तो मुझे रेशियो फाइंड हो गया। अब मैं क्या करूंगा, x मुझे फाइंड करना है, ठीक है, तो x वाले को मुझे x वाले के इक्वल रखना पड़ेगा, जिसमें आपका x वाला टर्म है, जिसमें आपका अननोन टर्म है, उससे आपको इक्वल रखना पड़ेगा, तो x वाले को मैं x वाले पार्ट के इक्वल रखूंगा, ठीक है, तो इसे मैं इसके इक्वल रखूंगा, ठीक है, तो -4m1 + m2 / m1 + m2 = -x। इस x वाले फोर्सन को मैंने इस x के इक्वल रखा, क्योंकि मुझे x फाइंड करना है, तो x वाला तो मुझे लेना ही होगा, मैं उसे छोड़ नहीं सकता, ठीक है। अब इसमें आपके 2 अननोन नहीं है, 2 अननोन क्यों नहीं है, आपका ओनली x अननोन है, क्योंकि m1 / m2 में फाइंड कर चुका हूं, ठीक है, तो ओनली आपका x अननोन है, m1 m2 में फाइंड कर चुका हूं, दोनों की वैल्यू 1-1 आई है, ठीक है। सो मैं वैल्यू पुट कर दूंगा m1 और m2 की, m1 की वैल्यू आपकी आएगी -4 × 1 + 1/1 = x, ठीक है, -4 की 1 से मल्टीप्लाई होगी, -4 + 1/2 = x, x में लिख देता हूं, और इसमें इस साइड लिख लूंगा -1 - 4 + 1 - 3/2, ये आपकी x की वैल्यू आ गई, ठीक। तो आपका जो P पॉइंट था वो क्या था, x, 0 था, ठीक है। अब आपकी x की वैल्यू क्या आई है, -3, 2, एंड 0 तो कांस्टेंट है, तो आपका जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है वो क्या होगा, -3, 2, 0, तो सॉरी -3/2, 0। इस केस में मुझे रेशियो फाइंड करवा रहा था एंड पॉइंट ऑफ डिवीजन भी फाइंड करवा रहा था, तो पहले मैंने रेशियो फाइंड किया, देन पॉइंट ऑफ
डिवीजन फाइंड किया। सपोज कीजिए अगर किसी क्वेश्चन में ओनली पॉइंट ऑफ डिवीजन फाइंड करवाए, ठीक है, पॉइंट ऑफ डिवीजन फाइंड करवा दो, तो हम क्या करते, हमारा टारगेट क्या होता है, एक्स को फाइंड करना होता या बाई होता तो बाई को फाइंड करना होता, ठीक है, तो आप क्या करते ओनली ये वाला लेते, क्योंकि जो मेरा टारगेट है वही हम करते हैं। तो इसमें मैंने क्या किया, मेरा टारगेट अब फ्रेशो फाइंड होने के बाद ये एक्स फाइंड करना था, तो मैंने एक्स वाले को ले लिया, ठीक है, और इसमें आपका रेशो भी पहले फाइंड करवा चुका है, ठीक है, बट इसमें वो रेशो फाइंड नहीं करवाता, ओनली कोऑर्डिनेट्स फाइंड करवाता, तब मैं इससे स्क्वायर इक्वल रख देता, बट मैं सॉल्व नहीं कर पाता। मैं सॉल्व क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि फिर टू अननोन हो जाते एम वन एम टू एंड एक्स, ठीक है। तो अगर डायरेक्ट आपसे पॉइंट ऑफ डिवीजन भी पूछेगा तब भी आपको पहले एम वन रेशो एम टू और एम वन एम टू फाइंड करना ही होगा, आगे उसके बिना सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे हम, अगर आपका डायरेक्ट पूछेगा पॉइंट ऑफ डिवीजन तो पहले जीरो वाले को जो भी होगा एक्स वाला है तो एक्स वाला जीरो, एक्स के वाले के जीरो इक्वल रखेंगे, और बाई वाला है तो बाई वाला, ठीक है। पहले आपको रेशियो फाइंड करना होगा एम वन और एम टू की वैल्यू, उसके बाद ही आप पॉइंट ऑफ डिवीजन फाइंड कर सकते हैं। विदाउट रेशियो फाइंड के आप पॉइंट ऑफ डिवीजन फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट इक्वल रख देंगे अननोन को अननोन के तो टू अननोन हो जाएंगे, लीनियर इक्वेशन में टू अननोन को एक ही इक्वेशन से फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपका इसमें रेशियो आ गया 1,1 एंड पॉइंट ऑफ डिवीजन आ गया -3,2, ठीक है।